राजनीति में युवाओं की आमद अब जनपद और जिला पंचायत चुनाव में भी नजर आ रही है। इसी कड़ी में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राधाकृष्ण मालवीय के पोते विशाल मालवीय ने वार्ड 25 से जनपद सदस्य के लिए अपना पर्चा भरा है। विशाल ने विदेश में पढ़ाई के लिए जाने का ऑफर ठुकराकर अपने ग्रामीण परिवारजनों की सेवा के लक्ष्य के साथ अपनी दावेदारी जताई। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में पढ़ाई का ऑफर ठुकराकर विशाल मालवीय उतरे पंचायत चुनाव मैदान में। स्वर्गीय राधाकृष्ण मालवीय के परिवार की तीसरी पीढ़ी सक्रिय। इंजीनियर बेटे को पिता राजेंद्र मालवीय ने दिया आशीर्वाद। फिल्म स्वदेश की कहानी के किरदार की तरह ही इंदौर के युवा विशाल मालवीय ने भी अपने गांव और ग्रामीण परिवारजनों की सेवा के लिए सियासत की राह चुन ली है। विशाल ने अपने दादा स्वर्गीय राधाकृष्ण मालवीय को आदर्श मानते हुए पिता राजेंद्र मालवीय के पद चिन्हों पर चलने के लिए जनपद सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पेशे से इंजीनियर इस युवा ने अपने किसान भाइयों और ग्रामीणों की सुनवाई के लिए अपना नामांकन दाखिल करने की बात कही है। जी, मैंने आज इंदौर जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 25 से अपना नॉमिनेशन दाखिल करा है। और रही बात बाहर जाने की, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग के बाद में मास्टर्स के लिए प्लान करा था न्यूजीलैंड से, बट फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, थर्ड जनरेशन हूँ अपनी फैमिली की जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए और हो सकती है, तो फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप करा और राजनीति को ही आगे कंटिन्यू करने की प्लान कर। बेसिकली भैया मुद्दे हैं, ग्रामीण मुद्दों में जो भी किसान जैसे है तो यूरिया खाद नहीं मिल रहा, शॉर्टेज चल रही है, ब्लैक लिस्ट में है। उसके बाद में फिर करप्शन बहुत बढ़ा हुआ है, टाइम पर किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है, तो ये मुद्दे हैं जो एक ग्राम स्तर पे ही आदमी उठा सकता है स्टार्टिंग में। जी, मेरे जो पंचायत वार्ड क्रमांक 25 है उसमें दो पंचायतें हैं, बुड़ानिया और लिम्बोदागारी। उनके अंदर चार ग्राम हैं, बुड़ानिया, लिम्बोदागारी, सोनगिर और पालाखेड़ी, तो मिला के 16 बूथ हैं। तो यहाँ हमने सेक्टर वाइज उनको बांट दिया है, वो जो भी रूपरेखा है फिर अब आज फॉर्म भरने के बाद में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र मालवीय ने भी अपने बेटे को सियासी आशीर्वाद देते हुए उसके राजनीति के पहले पायदान पर उतरने को आज के समय की जरूरत बताया। एक्चुअली भाई साहब, क्या है कि विशाल मालवीय जी ने फॉर्म भरा वार्ड नंबर 25 जो हमारे देपालपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आता है, वो बाय बर्थ इन्होंने देखा कि हमारे जो पूज्य मेरे पिताजी बाबूजी का जो काम करने का तरीका था इन्होंने देखा। वो मैं जब जिला पंचायत में रहा तब भी इन्होंने देखा, तो इनके मन में जज्बा आया कि मैं क्यों नहीं मैं भी काम करूं। बाहर जाने का इनको मौका मिला था तो इन्होंने उसको ठुकरा के यहीं काम करने का, जनता के बीच में रहने का इन्होंने ठाना है। अच्छी बात, मेरी शुभकामनाएं हैं, वो खासकर हमारे उस क्षेत्र के युवा विधायक माननीय विशाल पटेल जी का आशीर्वाद इनको है, वो पूरी कांग्रेस इनके साथ में है, हम सब कांग्रेस के है। निसंदेह वहाँ से कांग्रेस का जो प्रत्याशी वो चुनाव जीतेंगे, इंदौर जनपद हो चाहे सांवेर जनपद हो या देपालपुर जनपद महू जनपद हो, चारों जनपद कांग्रेस की बनेगी और जिला पंचायत भी कांग्रेस की बनेगी। जबकि क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विशाल पटेल के सियासी समर्थन से बेटे विशाल मालवीय को ग्रामीण मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद मिलने की भी उम्मीद है। हाँ, चुनाव तो जीतने के ही लड़े हैं, आप सबका आशीर्वाद मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, निश्चित चुनाव जीतेंगे। और ये जीत कांग्रेस की जीत रहेगी, माननीय हमारे जो विधायक है विशाल पटेल जी उनकी जीत रहेगी, संगठन की जीत रहेगी और कांग्रेस की जीत रहेगी। मुद्दे तो अभी फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है यूरिया खाद का है, खाद मिल नहीं रहा है, बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगी सोसाइटियों में। हाँ, अगर आपको ब्लैक में लेना हो तो आप मार्केट से खरीद सकते हो। हाँ, सरकार तरफ से सिर्फ थोती घोषणाएँ थी कि यूरिया बहुत है, बहुत मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, बड़ी दिक्कत है, बड़ा करप्शन है, ब्लैक में लेके तो आप अगर खरीद रहे हो तो आप आदमी कहीं से खरीद सकता है, काय के लिए वो सरकारी सहायता लेगा वो। नहीं, आशीर्वाद तो मेरे पूज्य पिता श्री बाबूजी का आशीर्वाद इनके साथ में है, सब साथ में हमें है। कुल मिलाकर गांव की राजनीति में उतरे इस युवा की कहानी ने अब कांग्रेस में खलबली मचा दी है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ग्रामीण सियासत आने वाले दिनों में गर्माती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।